हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। आई एम श्योर कि आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं MCO 5 का। और ये जो टॉपिक चूज़ किया है दैट हैज़ बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 3 जो कि है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और टॉपिक है हमारा डिस्कशन का आज की वीडियो का, वो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा विद डायग्राम्स कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा गाइस, वीडियो के एंड तक दैट्स माय श्योरिटी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ओके, सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आई गाइस, सो फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है एंड इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन एंड उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो वन बाय वन हर पॉइंट को अच्छे से समझते हुए हम अपने सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, वॉट इज मीन्ड बाय अप्रोप्रिएशन। इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट, इफ़ यू डोंट नो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको पूरा कॉन्सेप्ट अप्रोप्रिएशन का समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट को, पूरे ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, सो अप्रोप्रिएशन हमारा बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा एक्ट या प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, अपना पैसा संभाल कर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग से रखते हो, तो ऐसा जो एक्ट या प्रोसेस होता है वो कहलाता है अप्रोप्रिएशन। सो अप्रोप्रिएशन रेफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सेटिंग मनी असाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो किसी स्पेसिफिक यानी कि कोई खास पर्पस के लिए जब आप अपने पैसे को संभाल कर अलग रख देते हैं तो ऐसी प्रोसेस या ऐसा एक्ट कहलाता है अप्रोप्रिएशन। आप चाहो तो इसको अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी भी बोल सकते हो। अब वो स्पेसिफिक पर्पस की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, तो आई हैव मेंशन टू एग्जांपल्स जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके एग्जांपल्स आ चुके हैं, तो मैंने दो यहाँ पर आपके स्पेसिफिक पर्पस बताए हैं जिसमें आप क्या करते हो, अपने पैसे को संभाल के रखते हो। तो सबसे पहला जो पर्पस है वो है सेविंग मनी फॉर योर फेवरेट टॉय और बाइक फ्रॉम योर पॉकेट मनी। तो आपको जो पॉकेट मनी मिलती है उसमें से आप क्या कर रहे हैं, कुछ पैसा बचा रहे हैं हर महीने ताकि आप अपनी फेवरेट बाइक खरीद सकें या फेवरेट खिलौना खरीद सकें या फेवरेट कोई भी ऐसा आइटम जो आपको चाहिए आप वो ख़रीदना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा अपने पॉकेट मनी से बचाकर कहीं और रख रहे हैं। तो ये भी आपका अप्रोप्रिएशन का एग्जांपल है। ठीक है, सेविंग मनी फॉर योर फेवरेट टॉय और बाइक फ्रॉम योर पॉकेट मनी इज़ एन एग्जांपल ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इसके अलावा मान लीजिए कभी आपको कोई ट्रिप पे जाना है, गोवा ट्रिप, मनाली ट्रिप या कहीं और ट्रिप पे जाना है और उसके लिए आप अपनी सैलरी में से क्या कर रहे हैं, पैसे को बचा रहे हैं, अगेन दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएशन। ओके, सो सेविंग मनी आउट ऑफ योर सैलरी टू गो फॉर गोवा और मनाली ट्रिप इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएशन। सो आई एम श्योर गाइज, ये अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और एल्स आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें सारे पॉइंट्स लिखते रहिए ताकि पेपर टाइम में रिविजन आपको बहुत ईजिली हो सके। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो नाउ गाइज, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा चुका हूँ एंड इस स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। सो वॉट इज़ अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इफ़ यू नो अबाउट इट यू कैन राइट योर आंसर, इफ़ यू डोंट नो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, वीडियो में आपका यही कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है आपका, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट्स बाय ट्रांसफरिंग इट टू वेरियस रिजर्व्स फॉर स्पेसिफिक और जनरल पर्पसेस। ओके, तो कंपनी आपका बिजनेस करती है, बिजनेस करने से आपका प्रॉफिट अर्न होता है और उस प्रॉफिट में से आपका कुछ हिस्सा जब आप क्या करते हो, अलग से रख देते हो, किसी रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देते हो कोई स्पेसिफिक या जनरल पर्पस के लिए, तो ऐसा प्रोसेस या ऐसा एक्ट आपका कहलाता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है,
एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बेसिकली आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, अपने कंपनी के नेट प्रॉफिट के कुछ पार्ट को ट्रांसफ़र करते हो अलग अलग रिजर्व्स में। वो आपकी जो रिजर्व्स होती हैं वो आपका हो सकता है किसी स्पेसिफिक पर्पस को मीट करने के लिए बनाई गई हैं या फिर किसी जनरल पर्पस को मीट करने के लिए बनाई गई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक पर्पस वो पर्पस होते हैं जो कि आपके फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि आपको गोवा ट्रिप पे जाना है तो उसके लिए आप पैसा बचा रहे हैं, ये स्पेसिफिक है। आपने क्या करा, पैसा सेव किया कि फ्यूचर में कोई आपकी कंटिजेंसी आएगी तो उसको मीट कर सके। अब कंटिजेंसी कुछ भी हो सकती है, तो दैट्स अ जनरल पर्पस और अ जनरल रिजर्व यू कैन से व्हिच यू आर मेंटेनिंग आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट्स बाय ट्रांसफरिंग इट टू वेरियस रिजर्व्स फॉर स्पेसिफिक और जनरल पर्पसेस। आई एम श्योर कि पॉइंट नंबर वन क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू पर। सो पॉइंट नंबर टू सेज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है आपका डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो चाहे आप डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट बोल लीजिए या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बोल लीजिए, बात एक ही है। ओके, नाउ बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। And third point says appropriation of profit is done only if there is profit earned by the company. In case of any loss, no appropriation can be done by the company. तो बहुत ही important point है और आपको ये ध्यान रखना है कि appropriation of profit आपका तभी किया जा सकता है किसी company के through जब आपके company को कोई profit earn होगा during the year. मान लीजिए अगर आपकी company को loss हुआ है एक particular year में, तो उस case में आप प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो कैसे अप्रोप्रिएट कर पाएंगे। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमेशा आपका होगा उस कंडीशन में जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी इन अ पर्टिकुलर ईयर, और अगर आपका लॉस होता है तो अप्रोप्रिएशन किसी भी रिजर्व में नहीं किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ लॉस नो अप्रोप्रिएशन इज डन बाय द कंपनी, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन इज डन बाय मोस्ट ऑफ द कंपनी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, अगर वो करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो वो पूरा पैसा डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है। ओके, सो आई एम श्योर कि थर्ड पॉइंट भी क्लियर होगा। तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, याद कर सके तो याद कर लीजिए, अदरवाइज आई एम श्योर कि जितना मैंने समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुका होगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, ऑलराइट, सो गाइज, अब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लेते हैं। ओके, सो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमारा क्या होता है, मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट अंडर वेरियस हेड्स विच कैन बी जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है अपने कंपनी के नेट प्रॉफिट को आपके कंपनी के अलग अलग रिजर्व्स में या अलग अलग यू नो हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। अब वो अलग अलग हेड्स क्या हो सकते हैं, बेसिकली आपका जनरल रिजर्व हो सकती है, कंटिजेंसी रिजर्व हो सकती है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो सकती है। तो बहुत सारी रिजर्व्स होती हैं जिनमें आपका कंपनी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है आउट फ्रॉम द प्रॉफिट्स। सो ध्यान रखिएगा, सो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनीज नेट प्रॉफिट्स अंडर वेरियस हेड्स। एग्जाम्पल ऑफ दोज हेड्स आर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू कंटिजेंसी रिजर्व एक्सेट्रा। ओके, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। सो आई एम श्योर कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सो आई एम जस्ट प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, इसका पॉइंट नंबर वन डिस्कस करेंगे। एंड पॉइंट नंबर वन से इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो आपका है वो आपका एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर क्या होता है, बेस्ड होता है, और वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपका बेसिकली प्रॉफिट या लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो बेसिकली शो करता है कि किस तरीके से आपने अपने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट किया है अलग अलग रिजर्व्स में, एंड उसके बाद जो बच जाता है वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो कि आप फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू योर शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स।
तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड ईदर एज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैन बी प्रिपेयर्ड एज अ सेपरेट अकाउंट. तो ध्यान रखिएगा, दो तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है किसी भी कंपनी के थ्रू. या तो वो आपका साथ साथ बना दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है, एक सेपरेट सेक्शन क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए और उसको आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ में क्या कर दिया जाता है, मर्ज करके बना दिया जाता है. इसके अलावा दूसरा मेथड होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक सेपरेट अकाउंट के तौर पर कंपनी क्रिएट करती है, उसे अपने जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो अप्रोप्रिएट किए जाते हैं एंड फर्दर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेटली बनाया जाता है. तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप सेपरेटली बना दो उसको या फिर आप एक सेपरेट सेक्शन के तौर पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसको शो कर दो. ओके, तो आई एम श्योर कि सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पर एंड थर्ड पॉइंट सेज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज डन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ऑल द चार्जेस एंड इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो जितने भी आपके यू नो अप्रोप्रिएशन किए जाते हैं प्रॉफिट के, ये सभी जितने भी चार्जेस होते हैं आपके जो कंपनी को पे करने होते हैं, चाहे वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो, डिवेंचर पेमेंट हो, तो उन सबको करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है उसको आपका अप्रोप्रिएट किया जाता है कंपनी के थ्रू और इसको डेबिट साइड में शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के. तो जो हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो डेबिट साइड में शो किया जाता है और जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट होता है, ठीक है, जो भी हम प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करते हैं उनको जितने भी चार्जेस हैं उनको डिडक्ट करने के बाद ही करते हैं, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके मैंडेट चार्जेस होते हैं जो कि आपके प्रॉफिट के अगेंस्ट होते हैं वो आपके पहले पे करने पड़ेंगे आपको. हो सकता है आपका वो डिबेंचर का इंटरेस्ट हो, बैंक लोन लिया हो उसका इंटरेस्ट हो, कोई ऐसी लायबिलिटी हो जो आपकी पे करनी मैंडेट है, तो उन सबको आपका पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको अप्रोप्रिएट किया जाता है और उसको डेबिट साइड में शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के. सो आई एम श्योर कि ये थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका होगा. अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. सो गाइज, नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुका है एंड इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो कि आपके अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर आते हैं. तो इन सबको बड़े अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको अच्छे से तभी लिख पाएंगे जब आपको ये पॉइंट्स समझ में आएंगे या फिर याद होंगे. तो सबसे पहला जो आता है आइटम हमारे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में वो आता है ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व सच एज जनरल रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स एक्सेट्रा. तो ये सारी रिजर्व्स हैं. तो कोई भी रिजर्व में अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो वो आपका एग्जाम्पल होगा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का. तो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर सबसे पहली एक्टिविटी आती है कोई भी अमाउंट जो कि प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा. अब चाहे वो रिजर्व आपकी जनरल रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व हो, इट डजंट मैटर. कोई भी अमाउंट इन रिजर्व को ट्रांसफर होगा प्रॉफिट में से तो वो आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट होगा. नाउ बात करेंगे कोई भी अमाउंट जो कि आप प्रॉफिट में से ट्रांसफर करोगे सिंकिंग फंड्स में तो वो भी आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूडेड होगा. ध्यान दीजिएगा, कोई भी अमाउंट जो ट्रांसफर किया जाएगा सिंकिंग फंड में आउट ऑफ द प्रॉफिट वो आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट बनेगा. इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड अगर आप पे करते हैं तो वो भी आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर ही इंक्लूड होता है. प्रपोज डिविडेंड कोई भी होता है तो उसको भी आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर मेंशन करना है. इसके अलावा कोई भी बोनस आपने डिक्लेयर करा अपने शेयर होल्डर्स को तो उसको भी आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर ही मेंशन करना होगा. तो ध्यान रखिएगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड्स ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स सच एज जनरल रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड्स, नेक्स्ट इज इंटरिम डिविडेंड, नेक्स्ट इज प्रपोज्ड डिविडेंड एंड द लास्ट वन इज बोनस टू शेयर होल्डर्स. ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा. सो गाइज, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं. आई एम श्योर कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे एंड जैसा कि मैंने बोला था आपको,
आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो यू कैन राइट इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड योर वीडियो ऑन दैट। ओके, सो आज के लिए थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय।